हेलो बच्चों, तो मैं आपके लिए एक और टॉय लेकर हाजिर हूँ। ये है एक कार जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह की होगी, और इसमें फुल्ली फंक्शन है। फुल फंक्शन इसके इस तरह से हैं, कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट राइट टर्न लेफ्ट टर्न स्टॉप विद लाइट, और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलमोस्ट कार 3D हाई स्पीड रेडियो कंट्रोलर विद लाइट। इसमें लाइट भी जलेगी, और आप इसमें देखो ये पूरी रिमोट कंट्रोल है कार। और हम इसमें देख सकते हैं पीछे की तरफ, इसमें ये चार्जेबल है, ये एक USB से चार्ज होगी, जो उसके नीचे लगेगा शायद बैटरी, कार के नीचे लगेगा वो। और इसको हम एक ना कोई भी नॉर्मल अडेप्टर से चार्ज कर सकते हैं। हाँ, और इसका ये इसका रिमोट है, इसका रिमोट करने हुआ है, तो इसमें दो सेल लगेंगे। तो बच्चों इसमें दो सेल लगेंगे, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें ये मेड इन चाइना है, और ये इसमें दो सेल लगेंगे कुछ इस तरह से। चलो इसको ओपन करके देखते हैं। करता हूँ आपके लिए, इसको कुछ इस तरह से ओपन करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ये देख सकते हो इसको इसको साइड में रख देते हैं, इसको हम यहाँ पर रख देंगे साइड में। और इसमें देख सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं पहले, चलो इसको देख सकते हो आप कि कितनी सुंदर लग रही है ना। ये इसकी व्हील्स हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसमें ये है, इसके डिज़ाइन देख सकते हो आप। चलो इसको ओपन करते हैं, ये इसमें एक रिमोट दिया हुआ है, देखते हैं चलो इसको ओपन करके। ओ, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये इसकी USB केबल है जो कि ये चार्ज करेगी इसको, ये किसी भी अडेप्टर में लगा के हम इससे चार्ज कर सकते हैं। चलो इसको यहाँ देखो कितना अच्छा है ना, सेल ख़त्म नहीं होंगे इससे, सेल का हो तो सेल का खर्चा बचेगा। ये इसका कुछ इस तरह से लगा हुआ है इसके पीछे, इसको हम ओपन करेंगे। ये हमारी कार निकल के आ गई, देख सकते हो कार को, इसका ये फ्रंट लुक है, ये इसका फ्रंट लुक है, ये इसका बैक है, और ये इसका रिमोट है। चलो रिमोट को भी ले लेते हैं साथ में, और ये आप देख सकते हो ये रिमोट है, और इसको हम साइड में रख देते हैं। हम साइड में रख देते हैं, और ये यहाँ से ये देख सकते हो आप, हम यहाँ से इसमें ये आप देख सकते हो ये खोल दिया है, इसमें ये सेल है, यहाँ सेल लगेंगे। ये देख सकते हो इसमें ये है, इसका ये हो रहा है, इसका ये बैक कवर है पीछे का। और देख सकते हो बच्चों आप, ये हमारे पास बैटरी के सेल हैं, दो सेलों को इसमें डालते हैं। चलो यहाँ पे सेल लगेंगे, एक और सेल हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है ओके। हम इसको लगा देते हैं इस तरह से, ये कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लंबा भी है। सी इसका एंटीना है, इससे इसकी रेंज क्लियर होगी, ठीक। ये इसमें लाइट ब्लिंक हो रही है, तो चलो ये हमारी कार है। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, इसमें लेफ्ट राइट जो लेफ्ट राइट टर्न है उसके लिए हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से सेट करेंगे इसके लिए, या हम अगर इसको इस तरफ करेंगे तो इसके लेफ्ट जाएगी, इस तरफ करेंगे
तो ये राइट जाएगी, स्ट्रेट रखेंगे तो इसके टायर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, चलने में बिल्कुल सही चलेगी। और आप देख सकते हैं ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, और ये इसका चार्जेबल चार्जिंग का चार्जिंग जो पॉइंट है इसका, ये यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें ये चार्ज लगेगी। उसके बाद आप किसी भी अडेप्टर में लगा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, इसको हम लाइट, चलो हम लाइट ऑन करके देखते हैं कितनी सुंदर लगती है। ये देख सकते हो आप कितनी सुंदर लग रही है, ना बच्चों सुंदर है ना। ये हमारी कार है कुछ इस तरह से, इसकी लाइट इस तरह से जलेगी। अच्छा ये हमारा, ये पीछे लेने के लिए, ये आगे लेने के लिए, ये लेफ्ट टर्न, ये राइट टर्न, ठीक है। ओके गाइस, चलो बच्चों चला के देखते हैं इसको, चलो हम फिर से। हेलो गाइस, तो दोस्तों इस तरह से करके मैं आपको